हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज अनिल और लारावेल लाइव आर की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं फ्लैश सेशन और रिडायरेक्शन की। फ्लैश सेशन कैसे सेट कर सकते हैं और एक रिडायरेक्ट करवा के उस फ्लैश सेशन को शो कैसे करवा सकते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैं लास्ट वाली वीडियो को कंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक एक्चुअली फॉर्म बनाया था, अगर आपको मैं दिखाऊँ तो, और उसको हमने सबमिट भी करा था, इस डाटा को सबमिट करा था। और जैसे ही मैंने सबमिट करा था, ये वाली फाइल मैं रिमूव कर देता हूँ, इस फाइल की हेल्प से हमने यहाँ से हमने फॉर्म सबमिट करा था और इस फाइल के अंदर हमने डाटा सेव करा था। डाटा सेव करने के बाद ना ही हमने रिडायरेक्ट करवाया था और ना ही हमने उसको फ्लैश सेशन वाला मैसेज दिखाया था, क्योंकि मैं आपको अगले वाली वीडियो में इसके अंदर डिटेल में बताना चाहता था, ठीक है। अच्छा, तो ये इस वीडियो के पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हम एक फ्लैश सेशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद में रिडायरेक्ट करेंगे और उसके बाद फ्लैश सेशन वाला जो मैसेज होगा उसको देखेंगे और टेस्ट करेंगे, ठीक है। और ये मेरा डेटाबेस है, यहाँ पे मेरे पास अभी अराउंड 9 एंट्रीज़ हैं, तो हम यहाँ पे 10वीं 11वीं 12वीं एक्स्ट्रा एंट्रीज़ करेंगे। सो सबसे पहले फ्लैश सेशन होता क्या है, देखिए फ्लैश सेशन होता है कि वो खाली एक ही बार दिखता है। जैसे ही मैंने कोई सेशन के अंदर वैल्यू स्टोर करी फ्लैश सेशन के अंदर और उसको मैंने रिफ्रेश कर दिया, वो एक बार ही दिखेगा, सेकेंड टाइम वो हमें दिखेगा ही नहीं। इससे क्या होता है कि लेट्स से कि आपने फॉर्म सबमिट करा यहाँ पे और आप दिखाना चाहते हो योर डाटा हैज़ बिन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है, और जैसे ही आप रिफ्रेश करो वो गायब हो जाना चाहिए। तो इस केस के अंदर नहीं, अगर आप नॉर्मल सेशन यूज़ करोगे तो पहले आपको सेशन में डाटा डालना पड़ेगा, फर्स्ट रिफ्रेश के बाद में उसको हटाना पड़ेगा। बट फ्लैश सेशन ये अपने आप में बाय डिफॉल्ट फंक्शनलिटी देता है कि वो खाली एक ही बार दिखता है, दूसरी बार उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो वहाँ से गायब हो चुका होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ डाटा सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। लेट से मैं यहाँ पर लिखता हूँ सैमसंग टीवी एंड कीमत कुछ, मैं कुछ प्राइस ले लेता हूँ और ये टीवी है, ठीक है। जैसे तो सबमिट करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसने कुछ भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, आप देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ से सब कुछ हो गया। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी तक के सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ से एंट्री हो गई है बट इसने मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। रीज़न क्या था कि हमने अब तक रिडक्शन और कुछ लगाया ही नहीं है। तो अब इसके अंदर यहाँ पे आके अप्लाई करते हैं फ्लैश सेशन। सबसे पहले फ्लैश सेशन बहुत ही इजी होता है यूज़ करना, सो उसको यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ता है सेशन, और सेशन एज एन फंक्शन होता है बेसिकली, और उसके अंदर एक और फंक्शन होता है, उसकी प्रॉपर्टी फंक्शन होती है फ्लैश, राइट। और फ्लैश अपने आप में एक्चुअली दो पैरामीटर्स लेता है, एक तो आपको मैसेज, सो मेरे मैसेज का नाम रखना चाहता हूँ कि सक्सेस, जब सक्सेस आ जाए तो वो मैसेज दिखाना है, और वो मैसेज की वैल्यू, लेट्स से प्रोडक्ट हैज़ बीन अपलोडेड, ठीक है, ये मैंने मैसेज दे दिया। तो अब ये फ्लैश इनके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं रीडायरेक्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न, और रिटर्न के बाद मैं रीडायरेक्ट, लेट मी जस्ट करेक्ट द स्पेलिंग, ओके, सोचो रिडायरेक्ट होता है वो अपने आप में एक फंक्शन ही होता है, जैसे कि फ्लैश होता है, उसके अंदर हमें पास करते हैं हम टू, और टू के अंदर हमें जिसके जहाँ पे हमें जाना होता है, ठीक है। तो मैं इसको कहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ जो प्रोडक्ट वाला बाय डिफॉल्ट वाला पेज है ना, इसके ऊपर, वापस से इसी वाले पेज के ऊपर लेके आना चाहता हूँ मैं इसको, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरीके से प्रोडक्ट, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो हमें यहाँ पे मैसेज भी दिखाना है, तो पहले सबसे पहले इस पेज के ऊपर आते हैं, एक एंट्री करके सैमसंग टीवी टू कर देता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं सैमसंग टीवी टू और कुछ वैल्यू इसकी, लेट्स से लाइक दिस, और टीवी कैटेगरी है फिर से ये, दैट्स ओके, सेव करता हूँ। देखिए ये इसी पेज के ऊपर आएगा बट उसने कुछ मैसेज नहीं दिखाया, हमें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं प्रोडक्ट सेव हुआ भी है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हमें वापस से हमारे जो HTML पेज है इसके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं करना क्या है बेसिकली, सबसे पहले मैं हमें इफ़ कंडीशन लगानी है @ if, और जैसे भी इफ कंडीशन लगाते हैं तो हमें यहाँ पे सेशन चेक करना है, सेशन, और सेशन के अंदर क्या हमारे पास फ्लैश है भी नहीं है भी या नहीं है, तो यूज़ करना हैज़, और हैज़ के अंदर में चेक करना है सक्सेस। तो सक्सेस क्यों चेक करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसकी की रखी थी सक्सेस, ठीक है, तो मैं यही की यहाँ पे चेक करनी है, परफेक्ट। सो उसके बाद में मैं यहाँ पे एक चाहूँ तो एक H1 टैग ले सकता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे इस तरीके से जो मेरे सेशन का नाम है वो दिखा सकता हूँ, सेशन, और सेशन के अंदर जो हमारा सेशन का नाम था सक्सेस की सक्सेस, और इसको मैं यहाँ पे सिंपली बंद कर सकता हूँ @ and if करके, राइट।
देखते हैं कि हमें क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पे। अभी सबसे पहले मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और मैं एक नई एंट्री करूँगा, और नई एंट्री में लिखता हूँ यहाँ पे एप्पल, और लेट्स से प्राइस समथिंग लाइक दिस, और मोबाइल सेव करता हूँ। देखिए यहाँ पे आ गया, फिर प्रोडक्ट हैज़ बीन अपलोडेड। बट एक्चुअली एक तो ये स्पेलिंग गलत है, तो लेट मी जस्ट करेक्ट द स्पेलिंग। और दूसरी बात, इसके ऊपर थोड़ा कलर भी नहीं दिखा हुआ, तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर कलर वगैरह अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे एक स्टाइल बना के। सो जस्ट राइट हियर कलर ग्रीन एंड जस्ट राइट हियर बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा लाइट रखते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है। और तो मैं इसको उठा के यहाँ से H1 टैग के ऊपर रख दूंगा नॉर्मली। सो जस्ट कॉपी इट, और यहाँ पे मैं यूजली स्टाइल डिफाइन कर देता हूँ, स्टाइल H1 इस तरीके से, राइट। और यहाँ से मैं प्रोडक्ट की स्पेलिंग भी ठीक कर देता हूँ। एंड लेट्स कम बैक हेयर, और एक और सबमिट करने की कोशिश करता हूँ मैं, लेट्स से नोकिया, नोकिया का कुछ प्राइस एंड मोबाइल, ऑल राइट सेव करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे दिख रहे हैं, ओके प्रोडक्ट हैज़ बीन अपलोडेड, येस हमने यहाँ पे भी एक्चुअली आ गया। तो मैं इसको थोड़ा सा क्लास दे गया, फिर चेंजेस कर सकते हैं, दैट्स अबाउट द स्टाइल, सो नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। बाय बाय, टेक केयर।